इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है मुल्तान से, मुल्तान के क्रिकेट ऑर्गेनाइजर हैं जमील कामरान साहब, अपना क्लब भी चलाते हैं अवलीन क्रिकेट क्लब, अवलीन स्पोर्ट्स, और इसके अलावा ये फर्स्ट क्लास के साबिक अंपायर भी रह चुके हैं। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जमील। वालेकुम सलाम मिर्ज़ा साहब। जमील ये बताइए क्या सूरत हाल है मुल्तान में? वो जब ज़का अशरफ के दौर में एक साहब आए थे जो स्क्रूटनी भी कर रहे थे और बहुत सारी चीजें हुई, अब क्या सूरत हाल है? अब तो तब्दीली आ गई है ना? हाँ, उसमें मेरा साहब ये है कि वो जो स्क्रूटनी वो तो नहीं हो सकी थी। राय अहमद नवाज साहब थे ना वो? जी 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 जी। तो वो अब स्क्रूटनी तो नहीं हुई क्योंकि ऑलरेडी हमारी पेंडिंग थी स्क्रूटनी होनी थी, हमारे 6 साल कंप्लीट होने थे इस साल अक्टूबर में, तो वो डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन हो गए थे और अब रीजन के इलेक्शन जो ना वो अभी होने हैं। उसमें सिर्फ एक रुकावट ये थी कि डीजी खान का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन है ना जी, वो उसका स्टे हुआ था। अच्छा। इसकी वजह से अभी तक रीजन के इलेक्शन नहीं हो रहे। अच्छा। बाकी यहाँ क्रिकेट माशाल्लाह, ये क्लब क्रिकेट जो हो रही है पीसीबी ने जो बड़ा अच्छा एक इंतजाम किया है। हाँ। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में जो है वो तकरीबन 103 मैच हुए हैं। अच्छा। क्लब क्रिकेट के। अच्छा जमील ये बताइए कि क्या सूरत हाल है? ठीक है आप कह रहे हैं कि मैचेस हो रहे हैं, 100 से ज्यादा मैचेस तो हो गए, लेकिन मैदान की क्या सूरत हाल है? सहूलतों की क्या सूरत हाल है? क्या कागजों का पेट भरने के लिए ही मैचेस हो रहे हैं आप समझते हैं, और नया टैलेंट सामने आएगा कि नहीं आएगा, क्या सूरत हाल है? मेरे साहब उसमें ये है कि जैसे पहले क्लब क्रिकेट आपको पता ही है कि बिल्कुल खत्म होकर रह गई थी, अब इससे ये है कि कम अज कम क्लब क्रिकेट शुरू हुई है जिससे ग्राउंड भी सर आबाद हो रहे हैं और ग्राउंड में बेहतरी आ रही है। अभी इन्होंने एक और अच्छा कदम किया है, देखें अल्लाह करे कि हर ग्राउंड में ये पीसीबी जो है ना जी वो ग्राउंड्स के लिए क्यूरेटर भी दे रही है। हाँ, वो तो टोनी हेमिंग्स आए हैं, वो ट्रेन करेंगे क्यूरेटर्स को और वो फिर ग्राउंड्स में जाएंगे। लेकिन आपके मुल्तान में कितनी टर्फ विकेट्स हैं जहाँ मैचेस हो रहे हैं? मुल्तान में अपना मिर्जा साहब हमारे पास 6 टर्फ पिचेस हैं, 2 यूनिवर्सिटीज के ग्राउंड है और 2 आपको पता है कि बड़ा कदीमी ग्राउंड है नवाशहर वाला, वो स्पोर्ट्स ग्राउंड है और कासमबाग सॉरी मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम है, तो उसमें तो खैर क्लब क्रिकेट के मैचेस नहीं होते। बाकी ट्रॉफ पे मैचेस माशाल्लाह हो रहे हैं और हमारी एक एकेडमी यहाँ है, उसके भी एक ग्राउंड है। तो अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एकेडमी भी है वहाँ मुल्तान में? वो तो सारी जमाम के नाम से है ना, जो नेशनल एकेडमी जो हमारा स्टेडियम है ना वही वो एकेडमी है इंजमाम के नाम से। हाँ, इंजमाम उलक के नाम से। जी 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 जी। तो वहाँ क्या एक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही है बताएं? वहाँ भी कोई ना कोई सर एक्टिविटी चलती रहती है, उसमें कोई ना कोई इनके कैंप लगाते रहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वहाँ मुख्तलिफ कोर्सेज भी करवाते रहते हैं। बाकी ये है कि क्लब क्रिकेट सर काफी इसमें बेहतरी आई है और इस दफा मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की चैंपियन भी अवलीन स्पोर्ट्स हो गई है। ठीक है। वो राय अहमद नवाज का क्या रोल है? वो तो इधर उधर चले जाते हैं ना, अब सुने कि वो मियां अजमत परवेज के साथ मिल गए जाकर। हाँ सर, सुनना तो यही है, बाकी पता नहीं अब क्या उसका होता है, उसका आपको पता ही है वो कहाँ सियासत करेंगे। वो तो ज़का अशरफ का दायां बाजू थे ना राय अहमद नवाज, उन्होंने तो अपने बेटे को भी भर्ती करा दिया था मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। जी जी जी। बाकी सर ये है कि अपना मुल्तान रीजन के इलेक्शन होना बहुत जरूरी है, वो अगर इलेक्शन हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि मुल्तान में असल में काफी अच्छे से जो रीजन का इलेक्शन रुका हुआ है, सही क्या वजह है उसको नहीं करवाया जा रहा, तो ठीक है तला उससे बेहतरी आएगी यकीनन। तो मुल्तान ने तो बड़े, आखिरी सवाल, मुल्तान ने तो बड़े क्रिकेटर्स इस रीजन ने, जाए बूरेवाला हो गया, फिर विहाड़ी हो गया, फिर इधर आ जाए भावलपुर हो गया, फिर मुल्तान हो गया मुख्तलिफ और साहिवाल हो गया, तो वहां से तो बड़े क्रिकेटर्स निकले हैं ना? जी जी, बड़े क्रिकेटर माशाल्लाह थे, साहिवाल बूरे में देख ले, बूरा से अपना वकार यूनुस निकला है। हाँ हाँ, वो मुझे ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।